नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे के डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला की तरफ से, जहां पर कोविड पैंडमिक के बावजूद अच्छा काम करते हुए डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला की तरफ से सक्सेसफुली 17 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को इस मंथ में यानी कि जून मंथ में मैनुफैक्चर करके रोल आउट कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे का यह पटियाला बेस्ड यूनिट पहले एल्को लोकोमोटिव्स की मैनुफैक्चरिंग करता था, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि इंडियन रेलवे उनके इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम कर रही है और एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनना चाहती है, तो इसी के चलते आज से 2 साल पहले हमारी इंडियन रेलवे ने उनके इस यूनिट को एल्को लोकोमोटिव की जगह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोड्यूस करने के लिए कन्वर्ट कर दिया था, जिसके अंतर्गत एज ऑफ नाउ अभी तक इस यूनिट के द्वारा 127 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को फुली मैन्युफैक्चर कर दिया गया है, जिसमें से 217 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को इसी मंथ में मैन्युफैक्चर किया गया है। एंड दोस्तों ये अपने आप एक बिग माइलस्टोन है, क्योंकि इस समय कोविड सिचुएशन के कारण इस यूनिट में 20-30% तक जो स्टाफ मेंबर्स एंड वर्कर्स हैं उनकी ऑक्युपेंसी कम थी, एंड इसके बावजूद इनकी तरफ से इन 17 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को जो कि 8-व्हीलर डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करके रोल आउट कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील कंपनी जिंदल स्टील की तरफ से, जहां पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की तरफ से जिंदल स्टील के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको अप्रूवल दे दिया गया है, एंड इसी के चलते जिंदल स्टील को आंध्र प्रदेश स्टेट में उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड भी एलोकेट कर दी गई है। बेसिकली दोस्तों कुछ समय पहले जिंदल स्टील की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि वो आंध्र प्रदेश स्टेट में उनका एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को सेटअप करेंगे, जिसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को उनके जो प्रपोजल थे वो सबमिट किए थे। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की तरफ से को अप्रूवल दे दी गई है, ताकि इनका बिजनेस स्टार्ट कर सके। एंड दोस्तों अगर इस स्टील प्लांट के बारे में डिटेल में बात करूं, तो जो स्टील प्लांट होने वाला है इसको आंध्र प्रदेश स्टेट के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा, जिसको स्टेब्लिश करने के लिए 75,000 करोड़ रुपीज की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड ये जो स्टील प्लांट होने वाला है इसकी स्टील कैपेसिटी 2.25 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की होगी, एंड ये जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट होने वाली है या फिर पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है ये अगले 4 साल के दौरान फुली सेटअप कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की तरफ से आंध्र प्रदेश स्टेट में और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दी गई है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश स्टेट के विशाखापट्टनम, कडप्पा, नेल्लोर, चित्तूर, गुंटूर इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देंगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, फर्नीचर, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन इन सभी सेक्टर से रिलेटेड होने वाली हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स जो कि लास्ट जून मंथ एंड वही अप्रैल से जून क्वार्टर के बीच में इसको लेकर डाटा रिलीज किया गया है, एंड इसी के अंतर्गत जून मंथ में हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो $32 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47% इंक्रीज हुए हैं अगर आप इसे जून 2020 से कंपेयर करते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा ये एक्सपोर्ट्स जून 2019 के कंपैरिजन में, जहां पर कोई पैंडेमिक भी नहीं था, उसके कंपैरिजन में भी 30% तक इंक्रीज हुए हैं। एंड दोस्तों इस साल का ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पर हमारी इंडियन एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन से ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि मार्च से लेकर जून तक $30 बिलियन से ऊपर रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारे जो इंडियन क्वार्टरली एक्सपोर्ट्स हैं वो अप्रैल से जून क्वार्टर के बीच में $95 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर पर 85% तक इंक्रीज हुए हैं। दोस्तों आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये इंक्रीज फेवरेबल बेस के कारण हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो असल में ग्रो हुए हैं, क्योंकि आज तक इंडिया में किसी भी फाइनेंशियल ईयर के किसी भी क्वार्टर में हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो $95 बिलियन रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, क्योंकि आज तक का जो हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड था क्वार्टरली वो $90 बिलियन तक का था। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें अप्रैल से जून क्वार्टर के बीच में हमारे जो इंडिया में सेकंड वेव भी देखने को मिली थी, जिसके चलते बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी थी, एंड इन सभी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी ये माइलस्टोन अचीव किया गया है। एंड इसी को देखते हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को $500 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट कर दिया गया है, एंड वहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 5 साल बाद और यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट ईयर में $500 बिलियन और वहीं 2027-28 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे या नहीं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उनके पोर्टफोलियो में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के शेयर को और भी इंक्रीज करने के लिए गेल ने डिसाइड किया कि वो रेन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं, एंड इसी के चलते वो आने वाले कुछ समय में 5,000 करोड़ रुपीज़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग गेल 2 प्लांट्स को सेटअप करेगी, जिसमें से एक प्लांट एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए होगा, एंड वहीं दूसरा प्लांट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होने वाला है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होने वाला है उसको झारखंड के रांची में सेटअप
किया जाएगा जो कि एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू सीबीजी प्लांट होगा एंड ये गेल का पहला प्लांट होगा जहां पर डेली 25 टन्स मैन्योर को प्रोसेस करके डेली 5 टन्स गैस को प्रोड्यूस किया जाएगा एंड इसको सेटअप करने के लिए गेल की तरफ से 200 से 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी एंड वहीं एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 700 से 800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा उनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है जो कि करंटली 120 मेगावाट तक है उसको अगले 3-4 सालों में 1 गीगावाट तक जाने के लिए गेल की तरफ से 4000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL के साथ में टाई अप भी कर लिया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी को और भी बेहतर करने के लिए बनिहाल काजीगुंड रोड टनल को फुली कंप्लीट करके इसका जो ट्रायल रन है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है एंड नाउ आने वाले कुछ ही दिनों में इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया जाएगा। बेसिकली दोस्तों हमारी यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट ऑफ कंट्री से कनेक्ट करने के लिए आज से 10-15 साल पहले इस टनल को कंस्ट्रक्ट करने का प्लान बनाया गया था एंड जून 2011 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था एंड एज ऑफ नाउ ये टनल पिछले 10 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन थी जिसको अब कंप्लीट कर लिया गया है। एंड अगर दोस्तों टनल के बारे में डिटेल में बात करूं तो एक डबल ट्यूब 4-लेन टनल है जिसकी लेंथ 8.5 किलोमीटर की है एंड 10 सालों के अंतर्गत इस पर 2100 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करके इसको फुली कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है एंड क्योंकि अब इसको ओपन किया जाने वाला है तो इसी के चलते यहां पर जो प्रोजेक्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिसेंटली इसका ट्रायल रन लिया था जो कि एक 24 आवर्स का मेडल ट्रायल रन था एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत कुछ लिमिटेड व्हीकल्स को इससे पास होने की इजाजत दी गई थी एंड ये जो ट्रायल रहा था ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है एंड नाउ ये ट्रायल कंप्लीट होने के बाद इसका जो इनॉग्रेशन है वो आने वाले 15 दिनों के बीच बीच में कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये डोर टनल बनिहाल से काजीगुंड के बीच में जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उसको 16 किलोमीटर तक कम कर देगी एंड साथ ही साथ फुल ईयर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवाने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पुणे बेस्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एफ्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उनके बिजनेस को और भी एक्सपांड करने के लिए एफ्ट्रिक मोटर्स ने अनाउंस किया कि वो आने वाले समय में इंडिया में 100 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एंड इसी के चलते वो इंडिया में जल्दी से जल्दी उनका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के लिए काम करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों ये एफ्ट्रिक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है ये पुणे बेस्ड पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो कि पिछले काफी लंबे समय से ऑटोमेशन बिजनेस पर काम कर रही है। दोस्तों ये कंपनी कन्वेयर्स, रोबोट्स, मैकेनिकल कंट्रोल डिजाइन एंड सिमुलेशन इक्विपमेंट इन सब थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि करंटली हमारी गवर्नमेंट ई मोबिलिटी को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है एंड इसी के चलते इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है। नाउ दोस्तों इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये कंपनी सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट में उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करेगी, जिसके बाद इसकी जो रिस्पॉन्स है उसको देखते हुए इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को और भी स्टेट्स में लॉन्च किया जाएगा एंड क्योंकि ये कंपनी बहुत लंबे समय से ऑटोमेशन बिजनेस पर काम कर रही है तो इसी के चलते कंपनी का कहना है कि उनका ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर 85% मेड इंडिया कंपोनेंट से बना होगा एंड अगर इसको रिस्पांस अच्छा देखने को मिलता है या फिर ये सक्सेस हो जाता है तो इसका जो लोकलाइजेशन लेवल है उसको 100% तक कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलायंस जियो इन्फोकॉम अब गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि धोलेरा सिटी में उनका एक न्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली है एंड यहां पर वो अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी जायंट गूगल के साथ में मिलकर काम करने वाली है। बेसिकली दोस्तों अगर आपको पता होगा तो कुछ समय पहले जियो की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि वो इसी साल उनका जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करेंगे जो कि वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है एंड दोस्तों इस फोन को जियो गूगल के साथ में मिलकर डेवलप करने वाला है क्योंकि लास्ट ईयर गूगल की तरफ से रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में 33,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की गई थी एंड नाउ दोस्तों इसी कोलैबोरेशन के अंतर्गत गूगल के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स गुजरात स्टेट में उनके न्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए जो लैंड है उसको आइडेंटिफाई करने गए थे एंड इसके अंतर्गत रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने गुजरात की धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को सिलेक्ट किया है जहां पर ये इनका न्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे एंड दोस्तों ये स्टेटमेंट गुजरात गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल द्वारा खुद दी गई है जहां पर उन्होंने बताया है कि अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है लेकिन क्योंकि जो जियो फोन है वो इसी साल सितंबर में लॉन्च होने वाला है तो आने वाले समय में हमें जल्दी इससे रिलेटेड कोई अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट सिचुएटेड विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को लेकर, जहां पर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड कार्बन मिशन को रिड्यूस करने के लिए हमारी इंडिया रेलवे के द्वारा यहां पर सोलर फोटोवोल्टिक रूफटॉप कवर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया गया है एंड ये फैसिलिटी पाने वाला विजयवाड़ा स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत फर्स्ट रेलवे स्टेशन बन चुका है। बेसिकली दोस्तों जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है वहां पर पहले ही 65 किलोवाट पीक कैपेसिटी के जो सोलर फोटोवोल्टिक रूफटॉप्स है उसको इंस्टॉल कर दिया गया था एंड नाउ 65 किलोवाट पीक कैपेसिटी के
और रूफटॉप्स को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जिसके चलते इसकी जो कैपेसिटी है वो टोटल 130 किलोवाट पीक कैपेसिटी पहुंच चुकी है। एंड दोस्तों इसके अलावा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जो रिमेनिंग गैप या फिर एरिया है उनको भी कवर करने के लिए यहाँ पर हमारी रेलवे के द्वारा 65 किलोवाट पीक कैपेसिटी के और भी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए फंड सैंक्शन कर दिए गए हैं, जिसके चलते आने वाले समय में विजयवाड़ा स्टेशन पर एनम 2.12 लाख यूनिट्स ऑफ पावर एंड वहीं 16.36 लाख रुपीस की सेविंग्स एनुअली करने वाला है। तो दोस्तों यहां पर हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा काफी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरह से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।